राम राज्य की स्थापना करने के लिए राम को आना पड़ेगा, बिना राम के आए राम राज्य आने वाला किसी दूसरे व्यक्ति में वो पावर नहीं है। राम के राज्य में किसी को तकलीफ क्यों नहीं थी, क्योंकि राम के राज्य में सातों जाति सब यज्ञ आदि कर्म करते थे, कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी सूर्य के समय सोता नहीं था, कोई भी रात्रि के समय गलत कार्य नहीं करता था, सारे के सारे लोग राम जी के काल में एक नियम ऋषियों का पालते थे, वैदिक परंपरा का निर्वाह करते थे। इसीलिए राम राज्य नहीं काउ व्यापा देहिक देव के भौतिक तापा आदि, दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्म, तीन प्रकार के क्लेश है, तीनों प्रकार के क्लेश राम के राज्य में समाप्त हो गए थे। आज भी अगर आप चाहोगे तो समाप्त हो सकते हैं, जगत में से नहीं तो आपके घर में से। दैविक दुख, दैविक दुख क्या है? ज्यादा बारिश आ गई, घर को भेगे ले गई, ज्यादा बारिश आ गई, सारा खेत खराब हो गया, आप खड़े थे दरवाजे पे, बिजली ऊपर से गिरी और तुम जल के राख हो गए, ये दैविक दुख है। अभी फसल कटने वाली है, आज और कल में मजदूर नहीं मिल रहे हैं और अचानक ओले पड़ गए, ये दैविक संपदा, ये दुख है, ये दैवीय दुख है। देवताओं के माध्यम से दैहिक दैविक भौतिक तापा, पिछले जन्मों के कुसंस्कार का भी दुख होता है आत्मा में, मन बुद्धि चित्त के कारण उन दुखों को हम भोगते हैं, आत्मा उन्हें भोगती है, परेशान होती है, क्लेश में पड़ती है, वो दुख भी राम के राज्य में नहीं था किसी को। कई जन्मों के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए थे राम के राज्य में, इसीलिए आज भी राम राज्य की स्थापना की कामना करते हैं हम सनातनी लोग। कब राम राज्य आएगा, कब राम राज्य आएगा? अरे राम राज्य के आप खाक आएगा, चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, राम मंदिर बनाओ एक नहीं हजार, राम राज्य नहीं आ सकता। राम राज्य लाने के लिए तो सब जातियों को शास्त्रीय बनना पड़ेगा, सब जातियों को योगी बनना पड़ेगा, सारी प्रजाति को धर्म करना पड़ेगा, सारी प्रजाति को ध्यान करना पड़ेगा, योग से जीना पड़ेगा, प्राणायाम आसन से जीना पड़ेगा, और सबको पत्नी को दर्जा देना पड़ेगा, पति को दर्जा देना पड़ेगा, माँ को दर्जा देना पड़ेगा। अरे तुम ऐसी घास फूस समझ रहे हो सबको और कहते राम राज्य आए राम राज्य आए, बड़ी बड़ी सभाएं आती हैं और राम राज्य के लिए लोग प्रवचन करते हैं, भाषण करते हैं, ऐसे भाषणों से राम राज्य नहीं आते। राम राज्य की स्थापना करने के लिए राम को आना पड़ेगा, बिना राम के आए राम राज्य आने वाला किसी दूसरे व्यक्ति में वो पावर नहीं है। हम चिल्ला सकते, हल्ला कर सकते, राम राज्य लाने की विधि मुझे मालूम है, राम राज्य लाने का नियम भी मुझे मालूम है, पर राम राज्य आने के लिए वो आप सब लोग सहयोग करेंगे तब आएगा ना, एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं आता वो। भौतिक तापा, राम के राज्य में कोई गरीब और कोई अमीर नहीं था, सब समान थे। राम के राज्य में शूद्र को भी शास्त्र पढ़ाए जाते थे, और अब तो बड़ी 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 मुश्किल है, अब तो किसी को आज्ञा ही नहीं शास्त्र पढ़ने की, इतनी मुश्किल हो गई है। हजारों साल से पूरा समाज भट्टी में चला गया, शास्त्र न पढ़कर, वेद ना पढ़कर, गीता ना पढ़कर, गिने चुने लोगों को गीता रामायण पढ़ने का अधिकार होने से सारा समाज मिट्टी में मिल गया, सारा समाज खत्म हो गया। आज हिंदू का सनातन का जो भी शोषण हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शास्त्र पढ़ा नहीं है, वेद पढ़ा नहीं है, दर्शन पढ़ा नहीं है। अगर ये सबके स्कूलों में यही पढ़ाई पहले जो थी वही पढ़ाई आज तक होती तो आज सनातन पूरी दुनिया पर शासन कर रहा होता पहले की तरह, आज सनातन बिल्ली बन करके बिट में ना घुसा होता, सारी दुनिया तुम्हारी विद्या को चुरा चुरा कर ले जा करके योगी बन गए, जति बन गए, शास्त्री बन गए, ज्ञानी बन गए, वैज्ञानिक बन गए, और तुम पिछड़ गए। क्यों? तुम्हें दूसरों की शिक्षा पढ़ने की जरूरत कैसे पड़ी, तुम्हें दूसरों की शिक्षा, तुम्हें दूसरों की भाषा सीखने की जरूरत कैसे पड़ी, तुम्हें सारी चीजें विदेशी लेने की जरूरत कैसे पड़ी? क्योंकि तुमने अपना खत्म कर दिया, इसीलिए लेना ही पड़ेगा। आज का युग कैसा है? अंग्रेजी बोलना न आता हो तो उसे तो लोग टैटे फिर से समझते, वो तो किसी काम का ही नहीं है। मुझे नहीं आता अंग्रेजी बोलना और मुझे टैटे फिर करके बताओ, चलो तीन चार महीने में जिस भाषा को सीखना और जिस भाषा को तीन साल का बच्चा धुआट बोलता है उसको सीखने के लिए काय को चैलेंज करते रहते हो भाई, क्या है उसमें? पूरी जिंदगी लंगोट पहनने से लेकर के मरते समय तक भी सीखता रहे सीखता रहे सीखता रहे सीखता रहे तो भी सीख नहीं सकता। वो भाषा है हमारी सनातन की और उस भाषा का नाम है संस्कृत। पूरे नोएडा में बोर्ड लगे हुए हैं, तीन महीने में स्पीकिंग कोर्स करें, तीन महीने में अंग्रेजी बोलना सीखें। क्या सीखें? अंग्रेजी बोलना। हाँ, भूपेन्द्र शर्मा कितने पढ़े हो बताओ, मत अंदर अंदर ही अंदर रखो, देख लो दुनिया भर की कोजड़ फाड़ के
कोई मैकेनिकल पढ़ रहा है, कोई सीए बन रहा है, कोई टीए हो रहा है, सब मुंह फाड़ के पढ़े और देख ले निकलेगा अगलो आगे। तो ये नकली शिक्षा पढ़ने से तुम्हारे जीवन पे कोई असर बड़ा अच्छा होने वाला नहीं है, अच्छा असर नहीं होगा। आपकी पराकाष्ठा क्या है, आपका पुरुषार्थ क्या है, उससे जीवन निखरता है। आप कितनी डिग्री लेके आए हो, आप लंदन से, अमेरिका से, मलेशिया से, एमबीबीएस पढ़ने के लिए भारत में 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और आपको यही एमबीबीएस मलेशिया में, बर्मा में करना हो, सऊदी में करना हो, तो 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, और वैल्यू उसकी ज्यादा है भारत में। इतने बेकार बुद्धि है भारत में। जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसे पढ़ने के लिए भारत के बच्चे वहां 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 जा रहे हैं एमबीबीएस के लिए, और जिसकी वैल्यू वहां है ही नहीं, वहां कोई पढ़ता ही नहीं उसको, इतनी सस्ती फीस, और वहां से एमबीबीएस करके आ जाए तो मोहल्ले में क्लिनिक पे लेके दो, फलाने देश से पढ़ के आया है, और मरीजों की लाइन लग जाती है। बोलो, कल्पना करो। ये सारी बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये किसी को वहां से रोक रहा हूं ना, समय के साथ में जो जरूरत है वो सब करो, जहां सस्ता मिले वहां पढ़ो, जहां सब कुछ मिले वहां पढ़ो, जहां से विज्ञान हाथ लगे वहां करके आओ, सब लेके आओ, सब पढ़ो। पर ये माता पार्वती की जो कथा है, इसमें पूर्ण विज्ञान की कथा है। इस विज्ञान की कथा को मैं आपको इस तरह समझाना चाहता हूं, और बीच बीच में मुझे थोड़ा सा राम जी ध्यान आ गए तो मैंने राम राज्य की बात कर दी है। आंदोलन करने से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य के लिए हमें सबको खुद ही सुधरना पड़ेगा, सबको सुधरना पड़ेगा। सुबह सुबह जब उठें, कम से कम चिड़ियाओं के साथ तो उठने की आदत होनी चाहिए कि नहीं? चिड़िया भी नहीं तो कौआ के साथ तो उठो, कम से कम निकम्मे के साथ तो उठ जाओ। चिड़िया चली गई चीख चीख के, कौआ चलेगा कौक कौक के, पर कोई असर ना हो रहा दरिद्रों पे। ये राम राज्य कहां से लाए इनके लिए फिर? आकाश में चील और गिद्ध उड़ रहे हैं तब उठ के आ रहा बेटा बेटी, और अब खाली बेटा बेटी का नहीं है, साधु महात्माओं का भी हाल यहीं पहुंच गया है। वहां भी उठने की परंपरा खत्म हो गई है, वहां भी बहुत लेट उठने का प्रारंभ हो गया सब। कुछ महात्मा लंबे समय तक सोते हैं, कुछ महात्मा समय पे उठते हैं, कुछ आचार्य लंबे समय सोते हैं, कुछ आचार्य समय पे उठते हैं। अरे कुछ से नहीं राम राज्य आएगा, सब मिलके जब एक साथ उठेंगे तब राम राज्य आएगा। एक साथ जब उठेंगे तब राम राज्य आएगा। मैं नहीं कह रहा है ऐसा, वेद कह रहा है, उत्तिष्ठतम पुरोहित है जागरयामी,